बैक टू बैक दो ब्लॉकबस्टर पठान और जवान देने के बाद शाहरुख खान इस साल फिल्म डंकी में तीसरी बार स्क्रीन पर वापसी करेंगे। शाहरुख खान के जन्मदिन पर फिल्म का पहला टीज़र रिलीज़ किया गया जो दर्शकों को खूब पसंद आया। इस टीज़र से पहले सिर्फ शाहरुख खान और तापसी पन्नू के फिल्म में होने का खुलासा किया गया था। हालांकि डंकी के पहले टीज़र और पोस्टर से पता चला कि फिल्म में विक्की कौशल भी होंगे। अब हाल ही में जारी किए गए दूसरे पोस्टर्स के देखने के बाद फैंस विक्की के किरदार के फिल्म में निधन होने का कयास लगा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है क्यों, तो चलिए जानते हैं। राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख खान ने जिस दिन से डंकी का ऐलान किया है उसी दिन से ये फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां पहले फिल्म की स्टार कास्ट में सिर्फ किंग खान और तापसी का नाम सामने आया था, वहीं अब खुलासा हो चुका है कि इसमें विक्की कौशल, बोमन ईरानी समेत कई सितारे नजर आएंगे। जहां सभी शाहरुख खान और विक्की कौशल को साथ काम करते देखने के लिए उत्सुक हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ यूज़र डंकी में सैम बहादुर फेम एक्टर के किरदार को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूज़र ने हाल ही में रिलीज़ हुए डंकी के दोनों पोस्टर साझा किए और नोट लिखा कि विक्की पहले पोस्टर में शाहरुख के साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरे पोस्टर में वो गायब हैं। इसके बाद सभी अनुमान लगा रहे हैं कि फिल्म के पहले प्रोमो में लोगों को गोली मारते हुए दिखाया गया था, इसलिए संभव है कि विक्की का किरदार मर गया हो और इसी वजह से वो पोस्टर से गायब है। यूज़र ने लिखा, पोस्टर देखने के बाद ये निश्चित है कि विक्की सहायक कलाकार के रूप में डंकी में नज़र आएंगे। वो फुल लेंथ फिल्म नहीं कर रहे हैं, अगर वो स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं तो आखिर तक जिंदा नहीं रहेंगे। विक्की को ध्यान में रखते हुए अगर वो फिल्म में मर जाते हैं तो इस बार सिनेमाघरों में सभी दुखी होते नज़र आएंगे। कुछ ही समय में ये थ्योरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूज़र अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। अब ये थ्योरी कितनी सच साबित होती है, इसे देखने के लिए हमें फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार करना होगा। डंकी का निर्देशन राजकुमार हिरानी द्वारा किया गया है। फिल्म का निर्माण शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। ख़ास बात यह है कि राजकुमार हिरानी के साथ ये शाहरुख खान का पहला प्रोजेक्ट है। फिल्म इस साल क्रिसमस के आसपास रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।